जैसे ये देख रही हो ना, तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका एक एक लेयर हटते जाएगा ना, टूटते जाएगा ना, उसी को टूटने यस को मैम, पिक्चर बोलते हैं बेटा, समझ रही हो? यस मैम, तो ये यस मैम, प्रोटीन को टूटने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, कौन? एंटीकोगुलेंट। समझे समझे कि नहीं? यस मैम, समझ गई। और कोई डाउट? नो मैम, यही था, बस ठीक यही था। है, तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ ही लिए थे फेवरेबल और इनफेवरेबल। इसका मैंने वो लिखवाया था क्या, क्या रीजन कुछ लिखवाया था, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन लिखवा दिया था, रीजन फॉर सर्वाइवल एंडोस्पर्म लिखवाया था क्या? मैम रीजन तो नहीं लिखा था आपने, रीजन रीजन फॉर नहीं लिखा था। न्यू वेक्टर। अच्छा ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दो ना, यस हेडिंग मैम, डालो रीजन फॉर, रीजन आप हेडिंग डालो, डाल लो आप रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब कैसे एंडोस्पोर कैसे सर्वाइवल होता है उसका रीजन। ठीक है ओके, तो यस लिखवाते हैं, मैम, तो इसका रीजन क्या होगा आप ही बताओ। आप पहले आपके माइंड में बताओ आप क्या क्या हो सकता है रीजन। हाँ बताओ, सरवाइव करना मतलब, समझ रही हो, यस मैम, मतलब जी जाना, ठीक है, मरना नहीं, बुरी से बुरी कंडीशन में भी जी जा रहा है, वो किस वजह से जी रहा है? क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता। हाँ यही सब। तो क्या होगा, क्या क्या लिख सकते हैं? ये क्या हुआ, लाइट भी आ गया? अरे यार ये लाइट क्यों गया? लाइट चला गया। ये लाइट क्यों आ गया? मैं जा रही थी बंद करने, क्योंकि पता अगर डेस्कटॉप नहीं बंद करूँ ना तुरंत ऑफ हो यस जाएगा ऑटोमेटिक। चलो आ गया, कोई बात नहीं। तो रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ एंडोस्पर्म, तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये मेरा चूज ही नहीं हो रहा है इसमें, क्या हो जाता है यार, इसमें हैंग हो जाता है, चूज नहीं होता है कलर, देख रही हो, चूज नहीं हो रहा है। कोई नहीं, मैं इसी से लिख रही हूँ, ठीक है, आप चेंज कर लेना कलर, ठीक है। हाँ तो एक तो हम लिख सकते हैं कि इसका थिक वॉल होता है, लिख सकते हैं ना, यस मैम, फर्स्ट आप लिख लो, थिक रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंट होगा ना, रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है? वो रेजिस्ट करे। हाँ मतलब सरवाइव कर जाए, बचा ले, ठीक है ना, यस मैम, ठीक है ओके। तो सेकंड क्या हम लिख सकते हैं बेटा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? कैल्शियम डी पी कोलिनेट है कि नहीं, लिखवाया है ना मैंने, एंटी कॉलेज कोजिसेंट। हाँ है ना, ये है कि नहीं यस मैम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन यस सब मैम है। से मतलब है। और थर्ड पॉइंट भी और क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, डी हाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब लैक, क्या होगा, लैक ऑफ वाटर, यस मैम, लैक ऑफ वाटर में भी मतलब ये सरवाइव करेगा, ठीक है, मतलब पूरा से पूरा कंडीशन हो फिर भी ये, क्योंकि भैया इतना भारी बर्डन सब कुछ तो अपने ऊपर डेवलप कर रखा है, तो जिंदा तो रहेगा ही वो, है ना, लो यस मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वही जब सब कवर, जब वो आप उसको मिलेगा क्या, उसको इन फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा कि नहीं। यस मैम, हाँ तो और हम इसमें मैंने लिखवाया है ना कि एक्ट एज रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, इसमें लिखवाया है फेवरेबल कंडीशन में, ये क्या मैंने, ऑन रिटर्न ऑफ द फैक्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ब्रेक इनटू द, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया है ना, यस मैम,
पॉइंट और लिख लो कि ये फेवरेबल कंडीशन है ना, तो ये एक्ट एज द लिख लो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका फेवरेबल कंडीशन में ही होगा ना, इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना बेटा, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, इसमें क्या लिख लो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक्ट एज आ जाएगा ऑप्शन, तो आप किसका कौन सा लगाओगे, फेवरेबल लगाओगे ना, यस मैम, चलो कोई भी डाउट वगैरह नहीं है ना, ये बहुत बेटा याद रखना इतना जानना, ठीक है, तो अब तो मैंने सारा लिखवा ही दिया है एटलीस्ट इतना तक, हाँ एक चीज और लिख लो, ये जो इंडेक्स पर फॉर्मेशन जो है हेडिंग डलवाया था ना मैंने, यस मैम, जो इस पर फॉर्मेशन, ठीक है, ये ओनली सिंगल है बेटा, ये सिंगल इंडोस्पर्म है, समझ रही हो, ये नहीं कि ढेर सारे, समझ रही हो, एक बैक्टीरिया से एक इंडोस्पर्म बनेगा बेटा, समझ रही हो, मतलब ये जो इंडोस्पर्म बना रहा है इससे ढेर सारे बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक ही होगा, समझ रही हो, चलो तो इसमें एक पॉइंट लिख लो आप, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है, यहाँ पर फेवरेबल अनफेवरेबल मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है, यस मैम, है ना, तो ये लिख लो एक पॉइंट इसमें लिख लो कि इम्पोर्टेंट है ओनली, देख लो ये कलर ही नहीं छूटा, ओनली सिंगल, ठीक है, सिंगल ओनली सिंगल इंडो इंडो स्पोर ओनली सिंगल इंडो स्पोर फॉर्म, ठीक, फॉर्म इन इन ओनली फॉर्म इन वन बैक्टीरियम, ठीक है, वन बैक्टीरियम, अब वो सिर्फ मैं इंडोस्पर्म के बारे में बात करूं, बाद में तो वो फिर जब रिप्रोडक्शन करेगा तो एक से दो बनेगा, फिर दो से चार जो अपना बंधन बनाते रहेंगे, ठीक है, कोई आपसे पूछेगा इंडोस्पर्म का तो आप सिंगल बताओगे, है ना, इससे एक ही बैक्टीरिया, ये बाइनरी के लिए स्टेज स्टार होगा, ऐसा नहीं ना कि पहले से दो तीन है आप इसको तोड़ना है, ऐसा नहीं ना बेटा, एक बैक्टीरिया बनेगा आप, ये बाइनरी फ्यूजन होगा तो इससे दो होगा, दो से फिर दो फिर चार जो भी होना होगा, है ना, यस सर, अच्छा, और ये इंडोस्पर्म और किसमें होता है, किसमें अकर होगा बेटा, ये अकर आपका होगा अकर्स इन बेसिलस, ठीक है, बेसिलस के बारे में मैंने लिखवाया था ना, यस मैम, बेसिलस, ओके, अच्छा सर पढ़ाते हैं बोलते रहते हैं, बोलो भाई बोलो, समझ में कोई बोलता नहीं, yes, ma'am. गरिमा बोलती तो है, ये तो पूरे क्लास में बोलती रहती है, पूछते हैं तो बोलती है, और बाकी सब जब सुनते हैं तो हम बहुत ही हंसी आते हैं यार, कोई बोलते ही उनको ही चिल्लाना पड़ता है, बोलो भाई बोलो, समझ वो लगता है ना मैम, लगता है कि अब ये बोलने वाला है तो लगता है कि वो बोलने वाला है, ये बोलने वाला है, तो सब एक चारों के चारों बैठे रहते हैं, तो फिर लास्ट में कोई बोलते ही नहीं है, ऐसा हो जाता है, आपके बारे में सोचोगे क्या, अपने बारे में ये बताओ, है ना, अपने बारे में चलो कोई चारों के चक्कर में कोई नहीं बोलता है, और एक बार लिखवाया ना, रेजिस्टेंट होता है पॉस्चराइजेशन के लिए, इसको लिखवाया कि नहीं, यस मैम, लिखवाया, यस मैम, लिखवाया, 62.8 degrees for 30 minutes, ठीक है, चलो ये दोनों लिख लेना, कोलेस्ट्रेडियम और क्या बेसिलस, हो गया ना, अब हम डालते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे आप लिखो कि ये मैंने ये भी लिखवाया था कि यहाँ पे लिखवा दिया था कोर, इन दोनों के बीच में पाया जाता है ना ये एंटीकोगुलेंट, किसके बीच में, कोर और कॉर्टेक्स, इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ, और ये कोर वाल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर ही बनता है ना, ठीक है, अब देखो, अब आप डालो, अब हम आते हैं नीचे, ए सेक्सुअल, फिर से आप हेडिंग डाल दो, क्योंकि फिर से अगर मैं इधर पॉइंट लिखवाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिर से आप रिप्रोडक्शन में ही हम देख रहे हैं, ए सेक्सुअल जो है ना, हाँ, यस मैम,
सेक्सुअल में थोड़ा सा पहले लिख लो, उसके बाद हम जो दूसरा टाइप लिखे थे, अब आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। क्या था हेडिंग, क्या था आपका? एसेक्सुअल था। चलो क्या था, रिप्रोडक्शन ही, ठीक है, रिप्रोडक्शन था जिसमें मैंने ये सब। आप बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ रहे हो बेटा, भूल मत जाना, ठीक है। एसेक्सुअल पढ़ रहे थे, तो एसेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा बेटा, बाइनरी पढ़ा। यस मैम। देख लो कौन कौन सा कलर चल रहा है। बाइनरी फ्यूजन पढ़ा, ठीक, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ा बेटा? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर दोनों पढ़ा, ठीक। तो यस मैम, आप बोल सकते हो, ठीक है, मीन्स आप ये इसमें दो पढ़े हमने, ओके। अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड पढ़ रहे हैं, अब इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। क्या टू सेक्सुअल जो मैंने बताया था ना, अब्सेंट। यस मैम, वो आप पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट आप लिख लो। क्या आप लिखो, हैंडिंग डालो, ट्रू सेक्सुअल, क्या होता है, अब्सेंट होता है ना, यस मैम, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, ठीक, दूसरा ये था। तो इसको हम बोलते क्या है बेटा, इसको हम एक्चुअली बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें आपका रियल गैमेट वगैरह तो बन नहीं रहा, फर्टिलाइजर्स में से तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना, हाँ no. चलो, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत लेंथी है, पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में तो बहुत शॉर्टकट दे दिया थोड़ा बहुत, बट आपको डीपली नॉलेज आपको आना चाहिए, हाँ, इसलिए मैं हाई लेवल का आपको ताकि आपको बेसिक से आपको पता होना चाहिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मान लो सिर्फ पोता लिखवा दो और आपको समझ में ना आए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब ट्रू सेक्सुअल ये है, आप ऐसे पढ़ोगे बहुत ज्यादा घबरा जाओगे कि अरे मैम बहुत ज्यादा लिखवा दी, इससे अच्छा तो शॉर्टकट हम थोड़ा सा पढ़ ले बस, हो गया। बट थोड़ा सा नॉलेज आपको वो हो जाएगा कि नहीं, yes, ma'am. थोड़ा सा नॉलेज में आप रहोगे और फिर आपको नॉलेज आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें नो आप लिखोगे, नो गैमेट फॉर्मेशन, क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन नहीं बनता है ना, गैमेट नहीं बनता है, और क्या ना, तो फ्यूजन भी नहीं होता, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का नहीं होता, ठीक है बेटा, गैमेट बनेगा नहीं तो फ्यूजन कहां से होगा, गैमेट्स, ठीक। तो अब हम देखते हैं, एक्चुअली अब देखते हैं आपका, तो अब आप करो, तो इसमें थ्री टाइप्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, थ्री टाइप्स, इसके थ्री टाइप्स हैं, ये जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या आप बोल रहे ट्रू सेक्सुअल, तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कितने टाइप्स हो गए बेटा, थ्री टाइप्स। अब हमको इनको तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। यस मैम, सबसे पहले आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, सबसे पहले मैं इधर कर देती हूँ, सबसे पहले आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा, उसके बाद आपका होता है कंजुगेशन, फिर ट्रांसडक्शन, ठीक। तो पहले हम फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो कि इसमें होता क्या है, जब मैं फिगर बनाऊं तो समझ में, रुक जा, हाँ देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें, कि इसमें डीएनए जो होता है ना, आप पहले समझ लो उसके बाद देखना, ठीक है। एक सपोज मान लो सराउंडिंग मीडियम होता है, ओके, सराउंडिंग मीडियम मान लो लैब वगैरह में जो पेट्रेडिक्स वगैरह जो होता है ना, पेट्रेडिक्स समझ रहे हो किसको, जो एकदम प्लेट की तरह ऐसे रहेगा,
शीशे का रहता है बेटा, लैब में तो आपने किया नहीं, ठीक है। पेट्रो डिश वगैरह वो जैसे कोई मीडियम वो अपना बनाते हैं। अब जैसे कि ये मान लो, ओके, तो एक सेकंड में पता नहीं किसका फोन आ रहा है, छोड़ो। तो देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई मीडियम हमने बनाया है, ठीक है, मीडियम हमने मान लो जैसे कि बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, ओके, तो उस कुछ मीडियम रहता है उसमें हम उसको ग्रो करवाते हैं। तो मान लो इस मीडियम का नाम मैंने दे दिया सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, पिकिंग अप करते हैं कि किस इसका डीएनए का, ठीक है, फ्रॉम अनोदर बैक्टीरियम। मतलब एक डोनर है, मैंने तुमको एक लिखवाया था ना डोनर और रिसिपिएंट बैक्टीरिया के बारे में, थोड़ा बताया था ना। यस मैम। एफ एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव ऐसे बनाया था ना। यस यस मैम। हाँ, तो वो तुम्हारा किसमें हो जाएगा, अभी वो बैक्टीरिया का सेक्स पिलाई जो बनाया था ना। यस मैम। हाँ, तो वो तुम्हारा कंजुगेशन में होगा बेटा। इसमें ये ऐसे ऐसे ये जो कांग है जो ऐसे बनाया था ना, ऐसे रहेगा, और इसमें ऐसे ट्यूब जैसे बनेगा दूसरे को, है ना। इसमें से ये कंजुगेशन का है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। यस मैम। ये मैं जो दूसरा टाइप लिखवाऊंगी ना कंजुगेशन, उसमें होता है, ओके। इसमें क्या है कि मान लो बैक्टीरिया है, एक पेट्रेडिक्स है, और उसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, उसमें क्या सराउंडिंग मीडिया में हम क्या करेंगे, तुम्हारा डोनर भी है और क्या एक देने वाला और एक क्या करने वाला है, लेने वाला है। लेने वाला जब जिसके पास नहीं है वो लेगा, जो जिसके पास है भैया वो देगा। तो इसमें आप लिख सकते हो पिकिंग अप। मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है। क्या होता है पिकिंग अप ऑफ डीएनए, ठीक है, क्या कर रहा है डीएनए कहां से बेटा, फ्रॉम एनो बैक्टीरियम, बैक्टीरिया बोलो या बैक्टीरिया बोलो, ठीक है। कौन है ये डोनर है भैया, डोनर वाले हैं, ठीक है, जो दे रहे हैं, हो गए। अब yes, दे रहे हैं कौन, ले रहा है रिसिप्ट वाले, रिसिपिएंट ले रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियम, ओके, रिसिपिएंट बैक्टीरियम किसके थ्रू बेटा, जो मीडियम है, मीडियम इसका मतलब आपको ये माइंड में रखना है, थ्रू क्या सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, समझ में आया बेटा। यस मैम। हाँ, ये इसमें कुछ सेक्स प्लाई वगैरह नहीं बन रहा है, बस मीडियम से ही एक दूसरे से वो एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ले ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोला, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो एक और चीज लिख लो, या और लिख सकते हो, और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या ये डीएनए को ही ना ले रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। तो आप लिख सकते हो और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम, लिख सकते हैं ना। यस मैम। सराउंडिंग मीडियम, ओके, चलो माइंड में आपको क्या रखना है, सराउंडिंग मीडियम इसमें रखना है। एक में सराउंडिंग मीडियम हो रहा है, ओके, दूसरे में क्या होगा, एक में आपका सराउंडिंग मीडियम हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, जो मैंने कंजुगेशन ट्यूब का जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो आप उसमें लिखोगे ऐसा, उसमें क्या, इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा बेटा, इसमें आपका डायरेक्ट ट्रांसफर हो जा रहा है, किसमें, कंजुगेशन में, क्योंकि ट्यूब बना रहा है तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है ना। तो इसमें लिखो, यही पे लिखवा देती हूँ, ठीक है, तीसरा स्पेस नहीं होगा तो फिर उधर कर दूंगी। ये फर्स्ट हो गया,
सेकेंड कंजुगेशन ठीक है। तो कंजुगेशन में हम क्या कर लेंगे बेटा कि इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का, बट कैसा फिगर आप मैंने आपको बताया ना फिगर कैसा रहेगा, ये बनाती हूँ मुझे फ्रॉम फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट थ्रू किसके थ्रू कंजुगेशन 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 ट्यूब के थ्रू, वो जो मैंने ट्यूब बनाया ना उसको क्या बोलेंगे कंजुगेशन ट्यूब, आप बोल सकते हो डायरेक्ट 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 क्या हो रहा है कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ना। यस मैम, ये मान लो फिगर ये मैंने मान लो एक टोनर है, ये पहले तो अपना थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है पहले, फिर जाके उससे मान लो एक बना हुआ है तो अब उससे जाके डायरेक्ट उससे जाके अटैच हो जाएगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल उसका होगा वो इसमें ट्रांसफर कर देगा, हो जाएगा ना बेटा। चलो तो यही है ओके। अब हम थर्ड लिखते हैं, थर्ड क्या होगा बेटा ट्रांसडक्शन ओके। तो एक माइंड में आपको रखना है सराउंडिंग मीडियम कंजुगेशन ट्यूब यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, थर्ड आप लिखो ट्रांसडक्शन, आता है बेटा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ठीक है। Yes, हाँ तो ट्रांसडक्शन में हम लिख सकते हैं ट्रांसडक्शन इसमें भी ट्रांसफर होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए ठीक है फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट थ्रू किसके थ्रू होगा, एक होता है बैक्टीरियोफेज होता है बेटा वायरस होता है ठीक है उसके थ्रू बैक्टीरिया है ठीक है। अब यहीं पे एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इस तरह बना रहता है इसको ऐसे 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 बना रहता है ठीक है, ये इससे अटैच रहेगा अटैच बैक्टीरिया से ये हाँ ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डालेगा तो फिर वो उनका प्रोसेस होगा, समझ रही हो ओके। तो वही बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने बायोटेक में। चलो तो क्या लिखोगे किसके थ्रू होता है बेटा बैक्टीरियोफेज, आपको तीनों को माइंड में रखना है, क्या माइंड में रखना है एक सराउंडिंग मीडियम, तीनों में तो हो रहा है डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है बट आपको माइंड में रखना है एक सराउंडिंग मीडियम, एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और तीसरा क्या बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस के थ्रू। यस मैम, समझ में आया तीनों में कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको, अच्छी बात है। अब आप थोड़ा हम ये लिख लेते हैं इन तीनों का डिस्कवर किसने किया था ठीक है। यस मैम, इंपॉर्टेंट है डिस्कवर पूछता है इसलिए बता दे रही हूं। तो इसमें आप लिखो इनको डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने, अभी मैं इनका एक्सपेरिमेंट बताऊंगी ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत लिखवा रही हूँ, अभी फिर हम तीनों के बारे में एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल पढ़ेंगे ठीक है बेटा। यस मैम, तो चलो फिर कंजुगेशन को किसने डिस्कवर किया था इसको लेडर बर्ग ने ठीक है, और एक थे टैटम ठीक है, ये दो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे ठीक है बेटा। और तीसरा
तीसरा जो है इनको डिस्कवर किया था लेडर वर्ग और जो लिखो ठीक है डिस्कवर्ड बाय लेडर वर्ग थे और थे एक लेडर लेडर वर्ग थे ठीक है एंड लेडर वर्ग ही थे लेडर वर्ग ठीक लेडर वर्ग एंड लेडर वर्ग थे ठीक है इन्होंने मैम के अलग अलग नाम है ना मतलब हाँ हाँ दोनों अलग लिए है इसीलिए तो एंड लिखा है ठीक है तो आप देखो इनका अब ये किस पर किए थे डिस्कवर तो हो गया इनका अब किस चीज पे किस बैक्टीरिया पे किए थे ये भी लिखो तो इन्होंने किया था इन्होंने डिप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के बैक्टीरिया पर किया था ठीक है क्या होगा बेटा डिप्टोकोकस नाम से समझ रही है ना बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलते ठीक है यस मैम ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस निमो सॉरी एन ई यू होगा यू डबल एन ठीक है ए ई होगा बेटा ए ई ठीक अब इस पे देखते हैं कंजुगेशन जो हुआ था जो ने ई कोलाई पे किया था किस पे किया था इकोलाई डिस्कवर इन किसमें क्या था इकोलाई इकोलाई पता नहीं इसे इस एचर के कोलाई जो होता है और इन्होंने किया था साल्मोनेला पे डिस्कवर इन साल्मोनेला ठीक है इसमें किया था ठीक है ये तीनों बैक्टीरिया पे मैम क्या था सेल्मोनेल नीला एन ई डबल एल ए बैक्टीरिया ही है बेटा ठीक है तीन बैक्टीरिया ही है चलो यस मैम देखते हैं बेटा कि हुआ क्या था अब ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तीनों हो गया यस मैम तीनों हो गया ना चलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा नो मैम चलो ये माइंड में रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है किसने किया था किस पे किया था अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ को लेकर चलते हैं पहले इनका एक्सपेरिमेंट हाँ तो हेडिंग डाल लो हेडिंग डाल लो देखो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ग्रिफिथ का इन्होंने कुछ पता है क्या तुमको ग्रिफिथ के बारे में नो मैम तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में ठीक है तो इन्होंने क्या किया था कि एक कैप्सूल लिया था देखो एक में कैप्सूल होगा एक में कैप्सूल नहीं होगा ओके क्या होगा एक में कैप्सूल होगा तो हम लिख देते हैं कैप्सूल कैप्सूल अब्सेंट मतलब माइनस ठीक है यस मैम या इसको आप बोल सकती हो रफ रफ या आर strain ठीक है और इसमें हो जाएगा कैप्सूल
प्रेजेंट कैप्सूल समझ रही हो ना, बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर जो है। यस मैम। हाँ तो इसमें क्या है, ये कैप्सूल प्रेजेंट है, यानी कि ये इसको स्मूथ, जिसमें प्रेजेंट है बेटा वो स्मूथ है, इसको हम लिखते हैं एस स्ट्रेन। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से पूछ लेता है कि आर स्ट्रेन में क्या होता है, एस स्ट्रेन में क्या होता है, ठीक है यस मैम। क्या होता है। तो देखो किया क्या था इन्होंने कि एक तो ये आर स्ट्रेन हो गया, तो आर स्ट्रेन को हम और क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर आर सेकंड, ठीक है आर सेकंड स्ट्रेन समझो, ठीक है ये मैं लिए लेकर चलो। और इसमें आपका हो गया एस थर्ड, आर सेकंड, आर सेकंड मतलब आर स्ट्रेन, समझ रही हो। यस मैम। चाहिए बोलो, चाहिए बोलो, ये बोलो चाहिए, आर सेकंड और थर्ड। तो देखो बेटा आर माइनस लिखा है यानी कि इसमें वायरस नहीं होगा, ये पॉजिटिव एब्सेंट। मैंने बताया था ना कैप्सूल जिसमें प्रेजेंट है वो वही डिजीज कॉज करता है ना। यस मैम। है ना, तो देखो किया क्या था इसको, हम इसलिए तब हम इसको लिख सकते हैं नॉन वायरलेंट लिख सकते हैं कि नहीं बेटा। यस मैम लिख सकते हैं। और इसको वायलेंट। हाँ वायलेंट लिख सकते हैं या पैथोजेनिक, हाँ ठीक लिख सकते हैं ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा सुनने में। देखो किया क्या था इन्होंने, फिगर इसका देख लेना नेट पे या बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है मैं फिगर आप देख सकते हो आता है। तो देखो मान लो एक पहले में मैंने क्या किया आर सेकंड को लिया, ठीक आर सेकंड लिया, इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया मतलब इंजेक्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड मतलब डाल दिया, किसमें डाल दिया बेटा, इनटू माइस चूहा में, ठीक है। यस मैम। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ये सब कुल मिलाकर समझ जाओ डीएनए का रिसर्च हो रहा है जो कि इनको पता नहीं है, ठीक है। यस मैम। ये देख रहे हैं कि क्यों जिंदा है, क्यों मर रहा है, क्या कारण है, किस वजह से, क्योंकि पहले उतना सब कुछ डेवलप नहीं ना था, ठीक है अब ना सब कुछ डेवलप है, बहुत आसानी से सब कोई फाइंड आउट कर ले रहा कोई भी चीज, ठीक। तो इन्होंने क्या किया आर स्टैंड को लिया, ठीक, और माइस में डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस करो या इंजेक्ट करो बात ही क्यों, ठीक है डाला। चलो मान लो माइस, माइस तुम बना लो, माउस बना लो, ऐसे चूहा हो गया, बनाए तो और बनाएंगे और ये ऐसे बना लो चूहा कैसे बनाते हैं यार, ठीक है ये मान लो ऐसे चूहा हो गया, ओके। तो अब और ये हो गया इंजेक्शन, फिगर से ज्यादा समझ में आएगा तुम, ठीक है इसको इंजेक्ट कर, क्या इसमें, इसमें तुम्हारा आर सेकंड है भरा गया, ठीक है ये इसको इसमें डाल दिया गया, अब समझ में आया। यस मैम। तो देखना क्या होगा, तो चूहा क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा, क्या रहेगा जब वायरस है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, कुछ नहीं, माइस क्या होगा, जिंदा रहेगा ना। यस मैम। आर सेकंड डाला तो माइस जिंदा हो गया, ठीक। तो अब सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, सेकंड क्या करते हैं हम लोग, एक में तो उन्होंने ये डाल दिया भैया कोई असर ही नहीं, जिंदा है, लाइव है, ठीक। सेकंड उन्होंने क्या एस थर्ड को ले लिया, मतलब असिस्टेंट को ले लिया, ओके। और इसमें उन्होंने फिर चूहा को मैं डाल दिया, मैं यही चीज है मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है समझ जा रहे हैं। माइस में मैं इधर से माउस बना ही देती हूँ, फिर उन्होंने माउस को माउस में डाल दिया, ओके इंजेक्ट किया। आपकी बारी इसमें क्या है एस थर्ड है जो कि वायरुलेंट है, तो क्या आप yes, ma'am. जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, मर जाएगा। हाँ ये ऐसे, ठीक है इंजेक्ट हो गया, ठीक। तो हम लिखेंगे माइस टाइप, मान लो उल्टा बना दो,
कैसे उल्टा बना डाई हो गया ना, तो ऊपर पैर कर दो, पूछे से निकाल दो और ऐसे फिर कैसे कर रहे हैं, ऐसे दाढ़ी इधर बना दो लग रहा है पता ही नहीं चला ये उल्टा हो गया समझ जाओ, ठीक है मर गया है तो। हाँ अब देखो दो 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 काम हो गया, थर्ड चलते हैं। अब देखना दिमाग अपना खूब लगा रहे हैं साइंटिस्ट, फिर तीसरे में उन्होंने क्या है यार ये तो मर गया, और यानी कि वायरस है ये मर गया, इसमें वायरस नहीं है। तो फिर तीसरी बार क्या किया उन्होंने, एस को एस थर्ड स्ट्रैंड को हीट कर दिया। जब हीट करेंगे बेटा तो वायरस क्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हाँ तो आप देखना माइस में आप फिर से इसमें, तो अब तुम बताओ कि माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। अगर मैम अगर हीट कर देंगे तो फिर तब तो जिंदा रहेगा। हाँ क्योंकि वायरस तो मर गया। यस मैम माइस लिव्ड लिखेंगे ना, बट देखना आगे क्या होगा। ये जिंदा हो गया बट अब देखो क्या होगा। अब क्या किया उन्होंने, मतलब मैं फिर से बना नहीं रही हूँ माइस ये चलो बना दे ताकि तुम बना लो, ताकि तुम्हारे माइंड में ये रहेगा ना, एक बार देखोगे तो तुरंत पढ़ना नहीं पड़ेगा आ जाएगा माइंड में, ठीक है। फिगर जो होता है ना तुरंत माइंड को वो करता है, ये जिंदा है ठीक है। इसमें भी इंजेक्शन डाला गया था, इनको भी इंजेक्ट किया गया था। इसमें क्या क्या था, एज थॉट था बट हीट किल्ड था ना। यस मैम उसकी वजह से भी ये जिंदा है। अब देखो डी में क्या करते हैं, डी में क्या किया उन्होंने, एज स्ट्रेंथ तो लिया ही, क्या किया हीट किल्ड लिया, हीट किल्ड तो लिया ही, साथ में आर सेकंड ले लिया, आर सेकंड जो कि नॉन वायरुलेंट है ठीक है। यस मैम लिव है ठीक है, ये क्या है इसमें लिव था ना, लिव यस मैम, तो इसमें उन्होंने एज थर्ड लिया है जो कि क्या था बेटा हीट किल्ड, क्या था किल्ड। अब तुम बताओ कि माइस मरेगा कि जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेगा नहीं, नियम से तो जिंदा होना चाहिए क्योंकि भैया इसमें वायरस तो हिट कर दिया गया है तो चूहा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर चूहा भैया क्या हो रहे हैं देखना चल दिए गए ऊपर बिना टिकट के, कैसे बना यार चलो कैसे बना, मर गए। तो यानी कि यहाँ पर लिख लो माइस डाइड, इंजेक्ट किया गया मर गएंगे ओके। तो अब क्या होगा, अब साइंटिस्ट सोचे कि भैया यहाँ पे जिंदा हो गया, अब इस चीज को लेके उनके माइंड में क्वेश्चन उठा कि यहाँ पर तो जिंदा था तो यहाँ पर मर क्यों गया, यहाँ पर तो जिंदा होना चाहिए। यस मैम कैसे मर गया तो देखो अभी मजा आएगा, अब देखो क्या इंटरेस्टिंग है ना। यस मैम चलो तो अब होता क्या है, होगा क्या, ये वही देखो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, वही डोनर और रिसिपिएंट वाला काम कहानी यहाँ पर लागू हो जाएगा ठीक है। हुआ क्या ना, ये जो था सपोज मान लो ये तुम्हारा माइस डाइड हो गया, अब माइस को ले गए लोग हॉस्पिटल या जहां भी उनका लैब था, अब इनका चीर फाड़ो इनको काटा पीटा जाएगा, अब इनके इनके बॉडी में से जो बैक्टीरिया मान लो इंजेक्ट किया हमने, तो बॉडी में तो बैक्टीरिया होगा ना, चाहे उल्ली हो चाहे मरा हो या कैसा भी है ना। अब इसके बॉडी को कट किया गया, कट मतलब सर्जरी वगैरह हुआ इनका, तो उसमें से निकाला गया क्या, निकाला गया उसमें से आर सेकेंड निकला जो कि लेव था, और एस थर्ड निकला जो कि ये भी लिव था, ये किल्ड नहीं था, समझ रही हो। अच्छा हाँ तो भैया जब देखो एक होता ना, मान लो तुम हीट किल कर रही हो तो कुछ पोर्शन या तो लिव हो सकता है, पर जब पूरी तरीके से ना मरा हो
ठीक है यस मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या था ना, ये जो ये महारथी जो है ना आर सेकेंड, इन्होंने क्या किया था, इनके पास तो नहीं था, तो नहीं वाले रिसिपिटेंट होते हैं, यस मैम, इन्होंने इनसे कुछ इनका जेंडे मटेरियल ले लिया और ये हो गया अपना काम करता कर दिए, इनकी वजह से ये मर गया बेचारा, ये तो मरा ही था, बट इन्होंने इसे रिसीव करके अपने में लेके उनको एक्टिव कर दिया, एक्टिव करके इनको मार दिया, कहानी समझ में आया? सारा खेल मतलब आर सेकंड नहीं किया, जो भी कुछ किया इसने क्या किया, इससे ले लिया, हाँ क्योंकि हिट किया, आप इसका कुछ पोर्शन जो इतनी हुआ होगा जो नहीं ट्रांसफॉर्म में बता रहा हूँ रिसिपिटेड और डोनर, तो इससे इसने अपने में ले लिया और इसको एक्टिव करके फिर इसको मार दिया। ठीक, अब चलो देखो आगे होता क्या, लिखो आगे हम लिखेंगे कि हाँ लिख सकते हैं आगे हम इतना कहानी समझ में आया ना? यस मैम। चलो तो अब हम कंक्लूजन लिखते हैं, इनका कंक्लूजन क्या हुआ, निर्णय मतलब क्या हुआ इनका लास्ट में, ठीक है हेडिंग डालो कंक्लूजन क्या निकलता है इनका, कंक्लूजन, ठीक है कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन में हम लिखेंगे बेटा कि एस थर्ड जो है, एस थर्ड यानी कि असिस्टेंट जो है, हाँ yes. क्या हुआ वही, अब मैं इधर डोनर रिसिपिटेंट वाला कहानी बनाऊंगी, कैसे वो जाके चूहा को मार रहा है, ठीक है उसको फिगर में मैं बता रही तुमको, तो कंक्लूजन ये निकला कि ये है तुम्हारा एस थर्ड, यानी कि मान लो ये मैंने बैक्टीरिया का फिगर बना दिया, ठीक है और इसमें हम डायरेक्ट उसका जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं, ठीक है ये जो है पोर्शन, ठीक है ये पोर्शन जो है, इसमें इसको हमने क्या किया था बेटा, हिट किया था, हिट ये क्या था इसका सारा, मान लो सारा पोर्शन वो नहीं, थोड़ा सा पोर्शन जो था क्या था, जैसे होता है मैंने तुमको बताया था ना कि मान लो किसी किसी बैक्टीरिया में हीट रेजिस्टेंट या एंटीबायोटिक वगैरह होता है ना, यस मैम, तुम्हारे बॉडी में एंटीबायोटिक और हम तुमको अलग से दे रहे हैं तो वो तो उसको मार देगा ना, तुम तो रेजिस्टेंट हो जाओगी ना, तुम्हारे यस मैम, वो चीज तुम्हारे बॉडी में है ही नहीं जो चीज हम तुम्हारे बॉडी में डाल रहे हैं, तब तो तुम मर जाओगे ना, तुम्हारा सरवाइव नहीं ना हो पाएगा, नो मैम, रेजिस्टेंट मतलब क्या प्रोटेक्ट करना, तो देखो अब कुछ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट होता है कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता है, जिसमें होता है वो सरवाइव कर जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो मर जाएगा, है तो देखना yes, ये क्या था, मान लो कुछ पोर्शन इसका इतना, ठीक है इतना पोर्शन इसका क्या था, हीट हीट रेजिस्टेंट था, तभी ना ये भैया इनको आर वाले भैया ले लेंगे और फिर अपने में जो करना होगा करके फिर उसको मार देंगे, ठीक है तो हीट रेजिस्टेंट क्या ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, किसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, समझ जाओ है ना ये ट्रांसफर हो, मतलब देखो इन दोनों का रोल है, ये नहीं है कि इसका ये हीट किल्ड हो गया, हीट होने के बावजूद इसका कुछ पोर्शन जो है वो रेजिस्टेंट था, ओके अब देखो ये तुम्हारा था एस थर्ड किल्ड वाला था, ठीक वाला नहीं था किल्ड, हीट किल्ड जो किए थे, तो इनको हम डोनर बना दिए ना डोनर, इनको yes, कर दिए, अब हम इनको अब इसका ये जो पोर्शन है ये मान लो मैं इधर बना देती हूँ, ये पोर्शन सपोज लाइक दिस, सपोज ये ठीक है ये पोर्शन है, ये मतलब रेजिस्टेंट, अब ये क्या होंगे, अब ये जो आर वाले थे ना भैया जो आर वाले थे, ये मान लो मैं आर वाले को बना देती हूँ, है ये आर स्टैंड आर सेकंड जो कि ले लेंगे रिसिपिएंट, ठीक है ये ले लेंगे, किसकी वजह से लेंगे, क्योंकि इनके में पोर है बेटा, ये क्या है पोर है यहाँ पे पोर, पोर,
छेद है, ठीक है। अब भैया आप छेद मैम का तभी नहीं है, इसकी तरफ से जाएंगे भांगड़ा करते हुए अंदर घुस जाएंगे, अंदर चलेंगे। अब ये अंदर आके कह रहे हैं भैया ये मेरा इज्जत नहीं कर रहा, चलो अब इसके पास जाए इज्जत करवाने। हाँ अब जैसे कि मान लो कोरोना वायरस का ही ले लो, यूपी बिहार में देख रही हो कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, बहुत कम है। महाराष्ट्र यस का मैम क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बहुत डरपोक हैं, डरते हैं ना, सफाई ज्यादा रखते हैं, उसका इज्जत करते हैं, उसको खातिरदारी कर रहे हैं, तो वो जो जितना डरेगा वो उतना ही डरा रहा है। यूपी बिहार वाले देखो कोई नहीं मास्क लगा रहा, ठेले पे पानी पूरी खा रहा, मजे से, किसी को कोई डर ही नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरी खातिरदारी नहीं हो रहा, चलो भैया जहाँ इज्जत हो रहा वहीं पर चला जाए, इसलिए यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, दुष्ट है बहुत, है ना। ये अंदर आ गया और ये आके इससे बंद हो गया, किससे, ये तुम्हारा इसमें चला गया, ये किसका है, 8 सेकंड का है, ठीक है। यस मैम तो अब ये एक्टिव हो जाएगा, अब अपना काम करेगा। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, तो अब ये तुम लिखो, ये डोनर क्या हो जाएगा, आर स्ट्रैंड, ये डोनर जो मैंने लिखा और स्ट्रैंड यानी कि आर थ्रोट, ये इसमें क्या किया, ये आर स्ट्रैंड क्या किया, लिप ये इसे ले लिया, ठीक है। तो यानी कि लेने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी ये मैं इसका नहीं लिखा रहे, एक्चुअली जो इनका एक पॉइंट है तुम ये नोट कर लेना पहले, कि इस पे जो जो साइंटिस्ट थे हाँ ग्रिफिथ के बाद, ग्रिफिथ के बाद ग्रिफिथ ने तो ये बोल दिया, ग्रिफिथ ने क्या बोला कि ये क्या हुआ कि तुम्हारा ये आरिस्टन और असिस्टेंट दोनों के बारे में बता दिया, ये ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रहा, सॉरी ये आप मत लिखो यहाँ, ठीक है। तो एक्चुअली ठीक है, तो आगे का प्रोसेस क्या होता है मैं लिखवाती हूँ, पहले पहले ये आप लिख लेना कि ग्रिफिथ के बाद यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लेना, ठीक है। उसने बताया कि कुछ तो ऐसा हुआ था कि जो ट्रांसफर हुआ जो कि इसको जिंदा कर दिया और चूहा मर गया, ठीक है। तो उसने बस इतने पे स्टॉप कर दिया था ग्रिफिथ ने, आगे उसने नहीं फाइंड आउट कर पाया। तो तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये एक्चुअली जो ट्रांसफर हुआ वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। तो मैम ये जो अभी कंक्लूजन लिखा वो ग्रिफिथ ने नहीं मतलब किया, हाँ ग्रिफिथ ने किया, लेकिन आगे फिर एक एक साइंटिस्ट हो गया, फिर दूसरा साइंटिस्ट अपना कहानी बताएगा ना, उसने ये नहीं yes, बताया कि ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, इसको किसने बताया, इसको अवेरसी मैकेट मैकॉर्टी ने मतलब है, लिख लो तीन साइंटिस्ट थे, एवर्स सॉरी इन लोगों का नाम भी स्पेशल है यार, समझ में आता है क्या, एवर्सी मैकेपी या मैं के देख लेना थोड़ा तुम इस पे, ठीक है। और थॉट जो थे मैकॉर्टी, ठीक है मैकॉर्टी थे, इसका नाम थोड़ा डाल के देख लेना क्या नाम है एक्चुअली क्लियर, ठीक है। तो अवेरसी मैं वो ग्रिफिथ के बाद के जो साइंटिस्ट है, ठीक है मैं कहले ठीक है पी हो गया पीडी, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने मतलब फाइंड आउट किया कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जो कि उनको नहीं मालूम था, ग्रिफिथ को नहीं मालूम था, ये आफ्टर ये जो आए आफ्टर ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ ये बताने के लिए कि ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, ये डीएनए ही है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो आगे हो क्या रहा है, आगे का कहानी इनका क्या हो जाएगा, कि ये हुआ क्या कि आर ने रिसीव किया ना बेटा, और इसको कैप्सुलेट कर दिया, इसको कैप्सुलेटेड मतलब बाहर इसका आउटर बन गया, हो गया ना, जब कैप्सुलेट हो जाएगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वायरुलेंट हो जाएगा,
जब तक नहीं था तब तो वो भैया कोई उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जो किसी काम का नहीं था उसने ही रिसिप्ट करके चूहा को मार दिया। हाँ कैप्सुलेटेड, कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता है कि इसने किया होगा, कैप्सुलेटेड कर दिया। इसलिए तो मैम अभी बोल रही थी कि आर सेकंड ने कैसे कर लिया ये। हाँ तभी ना, देखो भैया ये नहीं रहते तो करते ही नहीं, आर सेकंड को हम डालते ही नहीं तो वो तो मर ही गया रहता, उसका कोई रोल ही नहीं था। हाँ नहीं ना, बट आठ सेकंड उसने डाल दिया तो आठ सेकंड ने क्या किया भैया, ये भूखे प्यासे थे, इनके पास कुछ था ही नहीं, इन्होंने उनसे ले लिया। देखा ओ कुछ तो पार्ट है जो मेरे बॉडी में काम कर सकता है, तो इसलिए रिसिप्ट कर लिया। और रिसिप्ट करने के बाद एस स्टैंड क्या कर दिया, उसको कैप्सुलेटेड कर दिया। ठीक है, यस समझ में आया ना? यस, मतलब मेन रोल इन्हीं का है। अब तुम लिख लो कि प्रूफ दैट डीएनए इज ट्रांसफर। ठीक है, इन्होंने इन्होंने जो प्रूफ किया था, ये जो तीनों थे इन्होंने क्या किया था, प्रूफ कर दिया था, प्रूफ दैट कि डीएनए क्या है, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल लिखा है ना मैंने इधर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हाँ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इन्होंने प्रूफ कर दिया था कि क्योंकि उन्होंने इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जेनेटिक मटेरियल, भैया जेनेटिक मटेरियल ही तो है जो ये काम करेंगे, और उसके अलावा और कौन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप क्लियर लिखो ये कि आपका क्या हो जाएगा, ये बच्चे अब आ रहे हैं क्या, ये एटलीस्ट एडमिट में अभी नहीं करती हूँ, 5 मिनट बाद करूंगी, है ना? चलो ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख लो कंक्लूजन में कि आर स्ट्रेन कन्वर्टेड हो जाता है ना, मेन क्या हो जाएगा, मेन कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन मेन कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि आर स्ट्रेन क्या हो जाता है, आर स्ट्रेन आपका कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, ओके, बाय मैं इसको एडमिट कर देता हूँ। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा बेटा, एस स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू आर स्ट्रेन, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एस स्ट्रेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यस मैम, ओके ठीक है। यस चलो, तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है। ठीक है, ओके यस मैम, आपका क्लास भी अब क्या केमिस्ट्री का होने वाला है, यस मैम, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे ना, ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ अभी, वो फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाय बाय मैम, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम।